दोनों को बता रहा था आगे निकल गए, तो अपने जो सातों जितने भी बात कर रहे हैं वो सारे पीछे हैं, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं ताकि ये लोग आगे आ जाए, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। अब थोड़ा सा स्लो भी क्या है ना, थोड़ा सही रहेगा क्योंकि एक लेवल पर चलेंगे ना आराम से, क्योंकि हमें किसी को भी आगे पीछे नहीं रखना। और आराम भाई अपने आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो आगे निकल जाता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर जो आगे निकलता है वो स्लो हो जाता है। उससे क्या रहता है, हम लोगों का एक रोल रहता है, कॉन्सेप्ट रहता था कि हम एक फॉरवर्ड स्पीड पर चलेंगे, तो इसलिए हमें उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और मज़ा तो सारे ही ले रहे हैं आराम से, सारे ही लोग मोटो ब्लॉक कर रहे हैं, सभी लोग ब्लॉक कर रहे हैं, जितने हैं सारे ही ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो एक ऐसे लगता है ना, ऐसे लाइन में चलना, इससे अलग ही खैर बातचीत होती है, सारे ही अपना बढ़िया तरीके से चले। लेकिन जो साउंड आ रहा भाई की बाइक नहीं है वो थोड़ी भी नहीं दे रही, यहाँ से थोड़ा सा जूट के बाद खेलने मजा था ना। और यहाँ पर फ्लैशर पर जो इन्होंने एल ई डी लगा रखे, एल ई डी का यूज है बाइक में, तो सही लग रहा है हाँ। लेकिन ये है कि इसके चक्कर में ना वो पीछे पड़ रही है, जो इनके रेड लाइट है ना, मतलब मेन ब्रेक लाइट जो है वो पीछे पड़ रही है। तो लास्ट टाइम अभी मिलेंगे तो इसे कह दूँगा कि जो आप अपनी मेन लाइट है ना, मेन लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा फ्लैश करनी चाहिए। यहाँ से अपने आर एफ आई भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं स्लो स्लोली, सब कोई ऐसा कोई भाग नहीं रहे हैं, अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। बट ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, मतलब हल्का सा कोई एक आगे, थोड़ा सा एक कोई पीछे, फिर थोड़ा सा आगे, फिर कोई हमें ये चीज़ से इसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ हाथ में, ओ भाई आगे आगे निकल गया। लीवो ने बीट कर दी बुलेट बुलेट सबको। ओ तो यहाँ से लीवो ने ये गति आने, एक तरीके से तुम ये समझ लो कि हम कितना स्लो चला रहे अपनी भाई। जब लीवो आगे निकल गए तो हम बहुत स्लो है, कोई उतना स्पीड में नहीं जा रहे, अपने एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे, क्योंकि हम लोग को ब्लॉक करना है, तुम लोग को दिखाना भी है क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को सेट करके। और अब यहाँ से ही आ गया अपना मेन हाईवे, ठीक है, मतलब हाईवे इतनी थोड़ा सा ये और इसी बहाने मैंने थोड़ा सा टाइम चुराता हुआ, थोड़ा सा हमने टाइम चुरा लिया। और मैंने अपने हेलमेट के स्टेप बांध ली, क्योंकि भाई हेलमेट के स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीवन। तो ये है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आ गया, तो थोड़ा सा ब्रेक लाइट का ब्रेक यूज करते हुए, क्योंकि हमें सबको एक दूसरा, यहाँ पे इंटरकॉम भी लगे हुए हैं, मतलब इनकी खैरी लंबी बातचीत है ब्लॉगिंग को लेके। यहाँ पे अपने आरा भाई भी आ गए, हाँ सब आ गए, क्योंकि हमें सबको साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। और इस बार सबसे बड़ी हर किसी को आरा भाई का पैसा बहुत मस्त लग रहा है कि भाई सही है। देखो यार मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है तुम लोग के पास कैमरा हो, ज़रूरी है तुम लोग के पास अच्छी बाइक हो, मन हो तो कुछ नहीं करो। दुनिया बोलती है यार, बोलती है, बोलने वाले बोलते हैं, हमें कितने लोगों ने बोल दिया, आज मैं उन लोगों को बोलता हूँ अब बोल के दिखा। रियलिटी में बहुत बोलते हैं, पहले इतनी बेइज्जती हो रखी है ना यूट्यूब पर, बस मैं तुम लोग यूट्यूब पे नहीं, मतलब कहने का मतलब अलग से, कितने लोगों ने ये करा वो करा, ऐसे बोला वैसे बोला, तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन भाई एक बात है, कभी भी अपनी वो मत करो, मैं हर बार बोलता हूँ कॉन्फिडेंस करके इतना मत गिराओ, ज़रूरी नहीं है भाई, जो सबके पास जो तुम्हारे पास है वो उसी से सीख लो। और यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे हो गए, कोई बात नहीं, हो जान तो जैसे अभी उन्होंने देखा ना मिरर में देख लिया, अभी पीछे हो गया तो एक उसमें से जो आगे वाला वो अपना स्लो कर लेगा, ये है इस तरीके से हम लोग रखते हैं। तो ये चीज़ होनी भी चाहिए एक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे एक दूसरे को पोक कर रहे हैं हम सारे हल्का सा, लेकिन हाँ लिमिट में, ओवर लिमिट नहीं, लिमिट में। जैसे हम देखते हैं थोड़ा खाली रोड, वहाँ पे ही अपना थोड़ा स्पीड हाई करते हैं, खाली होते हैं, इसके अदरवाइज हम लोग अपने जैसे ही है, यहाँ पे हम इससे ज़्यादा अपना वो नहीं जाते, ठीक है। ये भी लग रहा है एकदम से
है। तो यहाँ से सिंडिकेटर ले लेंगे उसके बाद। बस ये बातें भाई मुझे लगती तो अच्छी है बट पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों पसंद नहीं है मुझे भाई, बहुत है अच्छी पर पसंद नहीं है अपनी अपनी। और यहाँ पे हम फिर से पोस्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट करते हैं फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं ताकि बंदे आगे निकल जाए। हाँ फिर थोड़ा सा खेलते खेलते चलो यार। अब जैसे सारे आगे निकले फिर थोड़ा सा आगे निकलते मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती करते हुए। और एक बात है ये भाई जो बंदा है ना ये बहुत अच्छी चला रहा है, बहुत सही चला रहा है ये, इसका मुझे पसंद आया। जबकि अभी देखा जाए तो जितनी भाई के सबसे ज़्यादा पावर इसी में इसमें और आर एस में, और ये 250 में देखना पड़ेगा 250 में उसके डिपेंड करें। लेकिन ये जो भाई जिस लिमिट में चला रहा है ये काफ़ी अच्छी चला रहा है। और ये देखो बंदे की सबसे बड़ी गलती इंडिकेटर देखे नहीं बोल रहा इस मामले में। तो भाई एक चीज़ है फ्लैश ना दे दो जान दिखा दी। अब थोड़ा नीचे का एरिया आ गया और मैं थोड़ा सा इधर तो पहले कैमरा चेक कर लूँ वरना टॉप स्पीड में दिखा दूँ। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आराम से निकलेंगे। सारे जितने भी है अब थोड़े से लग रहा है एंजियो ब्लॉगर भी खुल गए हैं ठीक है। धीरे धीरे हर लोग ही सुन रहे हैं। सुनना चाहिए और ये अपाची वाला तो हर बार जोश में ही रहता था। लास्ट टाइम भी खूब जोश में था ये, जब इसको बाद में बोलता आराम से चला क्योंकि उस टाइम पर मेरी बाइक सबसे कम सीसी की बाइक थी ठीक है। उस टाइम पर भी बोला था यहाँ पे अपने बुलट भाई और भाई जेन्युइन तरीके से ये बंदा चला रहा भाई। और अब हम थोड़ा सा खेल लेंगे थोड़ा सा खेलते हुए निकलेंगे फिर से थोड़ी सी मूली बाजी तो करनी है ही। थोड़ी बहुत तो मूली बाजी करेंगे ही। तो चलो इससे क्या था ना एक बार चलने का थोड़ा सा इंजन में कम लोड रखता हूँ क्योंकि देखो 125 सीसी बाइक में इतना होता है पावर टावर अच्छा होता है लेकिन इतना देर तक खींचना वो सही नहीं है ठीक है। इसलिए मैं हल्का सा खींचता थोड़ा सा खेलता फिर मैं स्लो करता तुम लोग देख रहे हो मैं इनसे पीछे रहूँगा ठीक है। तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ ताकि इंजन में भी स्ट्रेस हो थोड़ा सा अपनी मस्ती भी हो जाए। जैसे आरफ भाई थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है गलती कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि आरफ भाई क्या एकदम से स्ट्रेस करके इंजन खींच रहे हैं अपना क्योंकि कम सीसी गाड़ी इंजन में थोड़ा सा रहता है। आरफ भाई थोड़ा ये गलती कर रहे हैं इनसे बोलूँगा मैं भी अभी हम करके दिखेंगे ना छोटा सा सब बोलूँगा इनसे ना। हाँ भाई आप ना थोड़ा अपने इंजन को कम स्ट्रेस कर क्योंकि इंजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करें क्योंकि अभी तक आ गई है ठीक है। ऐसे ये एरिया है तो इसमें थोड़ा सा खींच रही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनका जो साउंड है ना भाई वो थोड़ा सा वो निकल रहा था थोड़ा सा लग रहा है ना कि हल्ला मचाने वाला यानी इसका मतलब वो बजाज के इंजन तुम लोगों को पता है इसलिए। यहाँ से थोड़ा सा खेल तो वैसे तो यही वाला हाईवे है मतलब आगे दो चार हाईवे होना ही है। अब जैसे देखो ये मिठाई जा रही है तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्सीलेशन है इससे क्या होगा ना बाइक से थोड़ा सा कंट्रोल भी रहता है और थोड़ा इंजन का जवाब देखो मैंने रेस तोड़ दी हम बिल्कुल तोड़ रखी है क्लच भी मैंने प्रेस कर दिया थोड़ा सा उससे क्या था ना इंजन का थोड़ा सा प्रेशर नहीं लगता इसलिए। यहाँ से हमें ये भाई ये बुलेट वाले ये हमें राइड कर रहे हैं अच्छी तरीके से कोशिश करनी और बाइक करनी भी सही है राइड भी मतलब क्या बोलते हैं मतलब हम इन्हें फॉलो करना है यार भैया फॉलो कर बस यानी कि तो बेच रहे थे जैसे मूटर रोड फिर रह रहे थे रोड ही रियलिटी
और यहाँ से व्यू कम मीठा कैसा लगता है? अगर थोड़ा सा यहाँ से मैं कैमरे को देख लेता हूँ।